JBL Party Box 310 हैवी है, लेकिन इससे ज्यादा इसकी साउंड और बेस हैवी है एंड बैटरी बैकअप भी 18 घंटे का है, दैट मींस पोर्टेबल स्पीकर है। तो इस वीडियो में आपको इसका अनबॉक्सिंग एंड कंप्लीट रिव्यू देखने को मिलेगा। सो मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको बता दो कि इसको मैंने परचेज कहाँ से किया है। तो परचेज किया मैंने इसको ddeal.in से और ये मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है वहाँ से। इससे पहले जो JBL बार 9.1 मैंने परचेज किया था वो भी वहीं से किया था, फिर ओन ए की 6S प्रोजेक्टर, मोबी प्रो का PV01 और अब ये JBL पार्टी बॉक्स 310। रीजन इज वहां से मैं क्यों परचेज करता हूँ, देखो सबसे पहली चीज बेस्ट प्राइस वहां पे मिलते हैं, उसके बाद 7 डे की रिटर्न पॉलिसी, GST बिलिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे प्रायोरिटी पे है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो आपको प्रोडक्ट की फोटोज आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देते हैं, उसके बाद आपको कॉल आएगा, सेलर आपसे डायरेक्टली बात करते हैं, आपको बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में और उसके बाद आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया जाता है और बहुत फास्टेस्ट डिलीवरी होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग को। तो सबसे पहले एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ पेपर वर्क, जिसमें यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड है, एक पावर केबल इसको पावर देने के लिए या फिर चार्ज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। इतने भारी भारी डब्बे हम आप लोगों के लिए खोलते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और ये है JBL का पार्टी बॉक्स 310 पोर्टेबल लेकिन पावरफुल स्पीकर। फिजिकल ओवरव्यू और डिजाइन अगर कंसीडर किया जाए तो काफी ज्यादा सॉलिड एंड रिजिड डिजाइन के साथ आता है, मैट फिनिश है। फ्रंट पे आपको एल्यूमिनियम की ग्रिल मिल जाती है, बीच में JBL की ब्रांडिंग है, दो 6.5 इंच के वूफर हैं और दो 2.5 इंच के इसके अंदर ट्विटर मिलते हैं। जो ओवरऑल RMS आउटपुट है वो है 240, दैट मींस इंडोर हो या आउटडोर पार्टी कर रहे हो एकदम मजा आ जाएगा। स्प्लैश प्रूफ है, IPX4 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग के साथ आता है। ऊपर की साइड आपको एक कंप्लीट DJ पैनल मिल जाता है, मतलब यहाँ पे आप बेस कंट्रोल कर सकते हो। और इस स्पीकर के कंट्रोल पैनल पे आपको बेस बूस्टर की मिलती है, जिसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको डीप एंड स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए सिंपली बेस बूस्टर की को प्रेस कर दो और बेस बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है। जो यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट है वो कंट्रोल कर सकते हो, ट्रेबल वॉल्यूम प्ले पोज, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोलर मिल जाता है। इवन यहाँ पे आपको कुछ डीजे इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एप्लोज, दैट मींस तालियां बजने का, या मतलब जो डीजे पे स्क्रैच वाला इफेक्ट होता है, उस तरीके के काफी सारे इफेक्ट्स हैं जो कि इसको थोड़ा और यूनिक बना देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसको आप सिंक कर सकते हो JBL के पार्टी बॉक्स ऐप के साथ, जिसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल आपके मोबाइल फोन पे चला जाता है और इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा जबरदस्त हो जाती है। अब आप कहोगे कि तूने अभी अनबॉक्स किया है इतना सब कुछ कैसे पता, तो ऑलरेडी 10 दिन से यूज कर रहे थे, आज दोबारा से पैक किया आपके लिए अनबॉक्सिंग की है। इसका जो ओवरऑल वेट है वो है 17 किलोग्राम, थोड़ा हैवी है। रीजन इज कि इसके अंदर 72 वाट आर की बैटरी है जो आपको कंप्लीटली 18 आर का बैकअप देती है फुल वॉल्यूम पे, चाहे आप इसको इंडोर या आउटडोर कहीं भी चला रहे हो विद लाइट शो। अगर आप लाइट शो बंद कर देते हो तो थोड़ा बैटरी बैकअप आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। जो रिचार्ज टाइम है वो है 3.5 घंटे। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस बोल रहा है, 10 दिन के यूज करने के बाद सब कुछ पता चल चुका है। उसके बाद अगर आप गिटार प्ले करते हो या फिर आप कैरियोके यानी कि माइक इस पे यूज करना चाहते हो तो पीछे की साइड आपको एक कंप्लीट पैनल मिलता है और कंट्रोलर भी, वहां पे आप अपना गिटार या माइक भी इनपुट कर सकते हो। काफी लोग TWS में इंटरेस्टेड होते हैं तो ये स्पीकर सपोर्ट करता है TWS को, दैट मींस दो स्पीकर आप एक ही फोन या एक ही डिवाइस के साथ पेयर करके यूज कर सकते हो। ब्लूटूथ 5.1 के साथ आता है, साथ ही साथ आप ऑक्स या फिर USB पेन ड्राइव भी इस पे यूज कर सकते हो। जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो भी काफी कम है, 80 डेसिबल, दैट मींस क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको इस पे मिल जाती है। और अगर इसकी बेस की बात करें तो बेस काफी ज्यादा हैवी है, पीछे की साइड आपको एक एयर पास मिल जाता है। बाकी मैं 17 किलोग्राम के स्पीकर को पोर्टेबल बोल रहा हूं तो यहां पे आपको एक टेलीस्कोपिक हैंडल मिल जाता है, दो व्हील है, बहुत इजीली इसको आप कैरी कर सकते हो, तो बीच पे पार्टी कर दो। तो ये तो थी इसकी स्पेसिफिकेशन और कुछ डिटेल, अब आते हैं ऑडियो सैंपल पे, क्योंकि ऑडियो सैंपल ही जरूरी है, बाकी तो सब चीज रखी रह जानी है।
पार्टी बॉक्स स्पीकर का जब लाउडनेस टेस्ट मैंने इंडोर में किया तो अराउंड 114 डेसिबल की लाउडनेस मिली, जो कि मोर देन इनफ है। इस पार्टी बॉक्स स्पीकर के साथ जब मैंने लाउडनेस टेस्ट परफॉर्म किया आउटडोर में तो वहां पे भी 115 डेसिबल की ऑडियो मिल रही थी, एंड मार्क माय वर्ड आउटडोर में भी एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस आ रहा था। अब ये तो था बेस एंड म्यूजिक क्वालिटी का इफेक्ट, अब वोकल्स पे आते हैं। तो मैं अपना ही वीडियो प्ले कर सकता हूँ, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे एक लिंक है, जैसे इस पे टैप करोगे डायरेक्टली प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे प्री रजिस्टर करो। मेरे हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ अभी उससे ज्यादा क्लियर ऑडियो इस पे आ रही है। दैट मीन्स थोड़ा जो इसमें प्रोग्रामिंग की गई है, थोड़ा सॉफ्टवेयर पार्ट एंड हार्डवेयर काफी ज्यादा जबरदस्त लगाया हुआ है, तो ऑडियो और ज्यादा एनहेंस हो जाती है। और यहाँ पे सिंपल सी चीज ये है कि JBL ब्रांड का स्पीकर है तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक एक चीज इसमें आपको टॉप नोच मिलती है, अगर आप इस पे पैसे खर्च करते हो तो आपको वैल्यू से थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। और मैं इस स्पीकर का दीवाना इसलिए हूँ क्योंकि इसमें 240 वोल्ट RMS आउटपुट मिल रही है हैवी बेस के साथ, 18 घंटे का बैटरी बैकअप 3.5 घंटे के चार्ज के बाद। लेकिन अगर आप इसको टीवी के साथ या अपने रूम में यूज करना चाहते हो तो डायरेक्टली प्लग इन करके भी इसको यूज कर सकते हो। बाहर जा रहे हो, प्लग आउट करो, 18 घंटे का बैकअप लो और पार्टी करो। अब अगर आप JBL पार्टी बॉक्स 310 को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DDL.in का लिंक मैंने दिया है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनकी प्रायोरिटी है, जैसे प्रोडक्ट को परचेज करोगे आपको कॉल आ जाएगा, प्लस व्हाट्सएप पे ओरिजिनल प्रोडक्ट की इमेज सीरियल नंबर मिल जाएगा, तो डिलीवरी के टाइम पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया है वही है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको शो रहा है, जाके फॉलो कर लो, काफी सारा नया कॉन्टेंट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रू मोटोज एक नया चैनल हमने स्टार्ट किया है, और ट्रू टेकी शॉर्ट्स भी है और अभिनव स्पेस भी है, जिसपे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा।